हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको बता दें, गरीबों को मिलेगी फ्री में गैस सिलेंडर। सरकार बढ़ा सकती है उज्ज्वला योजना का बजट। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपये से भी ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में महिलाएं इस बजट में उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि उनका रसोई खर्च कम हो। इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री गैस सिलेंडर बांट रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 5812 करोड़ का बजट रखा था। इसके अलावा इस योजना के तहत साल के 12 सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी भी दी जाती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस सब्सिडी को आगे भी जारी रखेगी। गैस सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले 12 सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी के तहत लोगों को हर एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए दिए जाते हैं। अब सरकार इसे अगले वित्त वर्ष के लिए भी बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकार 100% लोगों को इस तक योजना के पहुंचाने के आगे भी बढ़ा सकती है। 9 करोड़ लाभार्थियों को मिला था यह लाभ। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में गैस सिलेंडर के लाभ दामों में बेतहाश बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में गरीबों पर इसका बोझ न पड़े, इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई 2021 में 200 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। ध्यान रखें, ये योजना सिर्फ एक वित्त वर्ष में 12 सिलेंडर के लिए ही थी। इस स्कीम में 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा हुआ था। सरकार ने मौजूद वित्त वर्ष के लिए 5812 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। क्या है उज्ज्वला योजना? वित्त मंत्रालय इस योजना को एक वित्त वर्ष में लिए और बढ़ा सकता है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसके लिए उन्हें 1600 रुपये का वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा एक फ्री रिफिल और चूल्हा भी देने का प्रावधान है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2016 में शुरू किया था और उज्ज्वला योजना 10 अगस्त को 2021 में लेकर आए थे। इसके तहत छूटे हुए परिवारों को भी गैस सिलेंडर पहुंचाने का लक्ष्य था। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।